वर्तमान पार्षद और नगर परिषद के पूर्व प्रधान रमन भटनागर द्वारा वार्ड नंबर 1 के अलावा शहर भर में कई विकास कार्य अमल में लाए गए हैं, जिसके सुजानपुर के बाजार में टाइलों का कार्य इन्हीं की देन है, जिसे लोगों को बरसात के दिनों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने एसटूडे की विशेष भेंट में बताया कि उनके कार्यकाल में कई कार्यों को अमली जामा पहनाया गया और कई कार्य कुछ कार्य कानूनी दांव पेच के कारण लटके पड़े हैं, जो शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों के मनोरंजन हेतु पार्क आदि का निर्माण भी करवाया जाएगा। सुजानपुर टीहरा में आज पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद रमन भटनागर से बात करेंगे कि अध्यक्ष होते हुए उन्होंने सुजानपुर में जो विकास करवाए हुए हैं वो कुछ विकास तो कर दिए गए, लेकिन कुछ कार्य जो है अतर में ही लटके नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर नगर परिषद के जो लोग हैं वो भी चर्चा में विषय में बना हुआ है कि क्यों अतर में जो कार्य लटके हुए हैं। पूछेंगे इनसे कि COVID-19 इसका महामारी कारण रहा, क्या इसका अदर कारण कोई रहा है। आज हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे कि नगर परिषद में जो बजट है उसकी क्या समस्याएं जो रही हैं और गिरी कर कितना जमा हुआ है और कितना जो है अदर में लटका हुआ है। आज हम रमन भटनागर से बात करेंगे कि जो विकास उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करवाया था तो उसमें क्या कहेंगे। सर, आज आपने जो विकास आपने जो करवाया हुआ था अपने प्रधान पद के रहते हुए, तो क्या कहेंगे आप लोगों से कि क्या विकास जो है आपने 4 सालों के अंदर जो है नगर परिषद के अंदर करवाया है और क्या कारण। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 1 के अपने जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, किरण भट्टी द्वारा वार्ड पार्षद बनने का मौका दिया, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ से जीता और रिकॉर्ड तोड़ मतों से मेरी जीत। उसके बाद मुझे 2.5 साल का मौका मिला प्रधान बनने का और 2.5 साल में कार्यकाल जो सबसे बड़ा काम हुआ, जो मेन रोड बाजार का जहाँ टाइलें लगाई गई और उसमें कम से कम हमारा 32 लाख रुपया जो है नगर परिषद का लगा, उसमें 10.5 लाख रुपया जो है रिलायंस की जो तारे पड़ी थी उस कंपनी से जियो वाले से हमें मिला और 4 लाख रुपया जो है DC के माध्यम से हमीरपुर से मिला और 2.5 लाख रुपया जो दुकानदार से हमारा इकट्ठा हुआ जो जिन्होंने सीवरेज के लिए पाइप वगैरह डाली थी। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे कार्यकाल में जो बाजार बना, और इसमें एक हमने गाड़ी खरीदी कूड़ा जो उठाने वाली है, डैम्पर खरीदे थे, बिजली के 200 पोल लगवाए, कम से कम 200 हमने जो है बेंच लगवाए और हर वार्ड में कम से कम 10-12 लाख रुपये का काम करवाया। कुछ काम जैसे आप कह रहे हैं कि रुकी हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 का जो हमारा ढांगू में लगा काम रुक गया था, उसका टेंडर लगा था पर उस ठेकेदार ने काम नहीं किया, तो कल उसका 3 लाख रुपये का फिर टेंडर लग गया है। पौड़ी वाले रोड की बहुत बुरी हालत थी, उसको भी हमने बहुत बढ़िया बनाया और बहुत कम बजट में उसको बनाया, 2,70,000 रुपये में खर्च करके उस रोड को बढ़िया बनाया और वहाँ पर अब जो है इसमें हाफ कट पाइप भी डाली जाएगी और बाकी जो छोटे मोटे काम रह गए हैं 90% काम तो हो चुके हैं, 10% रह गए वो हम जल्द से जल्द उनको पूरा करेंगे। सर, क्या कारण लगता है कि वार्ड नंबर 2 का जो मुख्य मार्ग था, जो मुख्य कार्य आप बोलते थे, उसको आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया गया है कि ये मार्ग बनेगा गाड़ियों के लिए शीघ्रता से खोल जाएगा, पर कार्य जो है अर्ध में ही लटका नजर आता है। आपके कार्यकाल के दौरान भी ये कार्य लगा हुआ था, आज नगर परिषद अपना 5 साल का कार्यकाल जो है कंप्लीट करती नजर आ रही है पर कार्य नहीं बना है। काम तो वहाँ पर 80% हो चुका है पर वहाँ पर एक टियालत है, वो कुछ कानूनी अड़चने उसको हम पूरी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने जो है लेटर लिखा है, जब जब हमें उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उस टियाले को जल्द से जल्द तोड़ दिया जाएगा और ये रोड जो है वाहन के चलने के योग्य हो जाएगा, जिसका दुकानदार भाइयों को बहुत फायदा होगा। तो ये काम भी जल्द से जल्द हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो विकास कार्य हैं वो क्या भविष्य में देखने को मिलेंगे, कि क्या लग रहा है आपको जो खींचातानी हाल में ही नगर परिषद में चली रही, अब ये नगर परिषद की खींचातानी समाप्त हुई है और 1 वर्ष से कम समय अब नगर परिषद के चुनावों को रह गया है, तो क्या लगता है सर आपको कि भविष्य में भी ये कार्य जो होते नजर आएंगे। विकास जो एक निरंतर प्रक्रिया वो चलती रहती है और आगे भी होते रहेंगे, विकास तो ना कभी रुकता है ना कभी थमकता है, चलता है वो चलता रहेगा, विकास कर रही है नगर परिषद करती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, क्या लगता है आपको कि शहर में अधिक सुंदर बनाने के लिए और अधिक करने के लिए क्या कार्य जो है नगर परिषद लेके आएगी और क्या कार्य आपके जो है वो लोगों की सहूलत के हिसाब से बनेंगे, क्या कार्य आप जल्दी हम जो आजाद से 8 नंबर का पार्क है वहाँ पर पार्क को बहुत सुंदर बनाएंगे, वार्ड नंबर 1 में पार्क बनेगा, वार्ड नंबर 4 में बनेगा, क्योंकि कमेटी का 18 लाख भी आया उसको जल्द से जल्द खर्च करेंगे और बहुत बड़ी ये पार्क जो शहर में जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पर बनाएंगे। आपने सुना नगर परिषद अध्यक्ष
जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद रमन भटनागर से बात की तो उन्होंने बताया कि वार्डों में जो कार्य अधर में लटके हुए हैं और जो विकास कार्य अधर में हैं उनको गति मिलेगी और भविष्य में जो कार्य वार्ड नंबर चाहे 2 का था चाहे वार्ड नंबर 8 में जो पार्क की समस्या निरंतर नगर परिषद के समक्ष आ रही थी उसको भी जो बजट 18 लाख का उन्होंने बताया वो मिल चुका है और भविष्य में इसको संवारने के लिए नगर परिषद जो है कार्य करती रहेगी। मैं राजेंद्र मेहता विवेक शर्मा के साथ कानपुर से राजेंद्र मेहता।